सारे लोगों को चरण स्पर्श, सारे लोगों को चरण स्पर्श करते हुए जीवन संघर्ष, और मन से मन का कर स्पर्श, इसी से चमके भारत वर्ष। क्या बात है बाबा, बाबा वीराने को सजाते हुए, तालियों को बजाते हुए, हंसते हंसाते हुए काफी रात हो गई। यह अलग बात है, आपसे हमारी दो बात हो गई, पर सौभाग्य ये कि आप जैसे साथियों से मुलाकात हो गई। बाबा छुप गए सारे नजारे हुए, क्या बात हो गई। अब ये हमारी जुल्फे लहराई, ये रात हो गई। कल नहीं आना हमें न बुलाना, कि मारे गताना जमाना। जो कभी यहाँ आज अच्छे पढ़ी उन्हें अगली साल बुलाना। देखो हमको तो नहीं आना था, पर आपसे मिलने का बहाना था। मैं चला आया मुबारक, ये सौगात हो गई। आप जैसे लोगों से मुलाकात हो गई, ये हमारी जुल्फे लहराई। बहुत अच्छा है, तो कविता का फ्लो है। कविता मैं तो लिखता नहीं, मैं तो कवि हूं नहीं। अरे ऐसी क्या, कवि तो तुलसीदास हैं और हम सूरदास हैं। बाई आंख में रोशनी नहीं है, जिंदगी में चाहिए। बड़ी खराब हो गई थी साहब इनकी, एक कह रहे थे कि प्रकाश जी कैसे आ पाऊंगा, हमें भैया कैसा हूं चल उठा। अभी हाल ही में आंख की परेशानी बड़ी थी। भाई आंख में रोशनी नहीं है, जिंदगी में चाशनी नहीं है। अब पूनम है साथ, मगर अंदर में चांदनी नहीं है। मगर कहते हैं कि जो है बहुत अच्छा है, प्रकाश दादा का संचालन है और आपके आदेश का पालन है। नरसिंह शास्त्री जैसे मेरे बड़े भाइयों का बुलावा है, मैं आ गया। मनीष मिश्रा जैसे कर्मठ साथियों का योगदान है, उनके सभी साथियों जो उनके साथ जुड़े हैं, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं और पुलिस की वर्दी को सादर नमन करता हूं। सरहद पर लड़ते हुए नौजवानों को प्रणाम करता हूं। और मेरे बीच में उपस्थित हैं वो लोग जो किसान के बेटे हैं और जो सर्द रात में भी अपने खेतों में लेते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरे सामने वो लोग हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। अब मुझे तो अपने बड़े भाई मिथिलेश गहमरी की वो लाइनें याद आती हैं, मैंने उनसे फरमाइश किया, वो सुनाए नहीं। कहे बेटा अंबर भूल गया, तुम सुना देना। मिथिलेश गहमरी जैसे कवि को आपने बुलाया है तो वो लाइनें छूट न जाए साथियों। जिंदगी का भरोसा नहीं कल हम मिल पाए कि न मिल पाए, ये लाइनें आपके हृदय में जाई जाए। लाइनें वो होती है, पंक्तियां और कविता वो होती है जो उम्र भर आपको याद रहे। क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है, कविता चंद्रवर दाई के पीढ़ी का यशगान नहीं है। कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं है, कविता कुछ शब्दों की केवल तुकबंदी का बोध नहीं है। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के आंसू के संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो करके मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। इसलिए मिथिलेश गहमरी भाई को चार पंक्तियां की, इस देश को आजाद करने में साथियों सबका हिस्सा रहा। कहते हैं मिथिलेश भाई कि शीश सुमन से बल देवी की, दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की, कोई जात नहीं होती सरहद पर मरने वालों की। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर ये पंक्तियां आपको मिथिले भाई सुनाते, जोरदार ताली अंबर जी जी, बढ़ के भैया को प्रणाम करते, भैया को प्रणाम, एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर को भी नमन करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सबने बहुत अपनी नींदें तो खराब कर दी हैं, लेकिन कितना बढ़िया प्यार और मुलाकात हो गया कि
प्यार होता है जहाँ जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है। आइए प्यार के रंगों में रंग लें सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। लेकिन कहते हैं अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। अभी तो आ रहे थे हमारे चौरसिया जी भी यहां उपस्थित है, मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूं। और अभी तो मैं आ रहा था तो मैं आगोछे से अपने बाल को ढका था, नरसिंह भाई पहचान नहीं पाए, बोली अंबर जैसा लग रहा है, है चलो चेक करते हो वही है कि नहीं। जब आए तो मैं अंबर था, बोली अंबर भाई बाल ढके हो पहचान नहीं पाया। हमने कहा ढका क्यों बाल को, कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, अब बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। बाबा चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बाबा 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 का क्या भरोसा। भजन तो नाम का है सुनील चौचक। अच्छा सुनील चौचक है, बहुत अच्छा है भैया सुनील चौचक है, एकदम औचक माला पहना देते माला पहनने में बड़ा खतरे भी है ना, ज्यादा पहन लेने पे लगता है कि ये गया, भगवान करें दया। हमने एक पूनम जी एक कार्यक्रम में रही हमारे साथ, हम कहे पूनम जी हम 2 साल पाई थे। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया भैया, भैया वकील सभासद हमारे बीच में हैं, उन्होंने हमको अपने 100 रुपया का स्नेह दिया, ये बहुत ऊंची चीज है अगर कोई पुरस्कार देता है। अक्सर लोग कभी लोग कहते हैं पुरस्कार साहित्य के खिलाफ है, हमने कहा कोई मैं जानता हूं कि पुरस्कार देना कोई रिवाज नहीं है, लेकिन अगर प्यार से दोए कोई तो एतराज नहीं है। बाबा बाबा ये रुपया है यहू को बहुत जरूरत पड़ा था, केहू जरूरत तो न पड़े लेकिन औरत ये जरूर जरूरत पड़े। अब हम तो भाई हम तो अपने औरत से कहे कि जो सामने घर में औरत रहती है वो आम आदमी पार्टी की है, तो कहे कैसे आपको पता, हम कहे कल ओका हम इशारे से बुलावत रहे तो हमका झाड़ू दिखावत रहे। अब हम कहे बगल वाली औरत हाथ का पंजा, इसलिए बहुत समस्या रहती है। मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूं, हमरे औरत कहें कि आवा आपके देख के बहुत गंदार पर्सनालिटी का पदार्पण हो। अच्छा अच्छा शिव शक्ति बाबू को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और पहली बार लोहे का रुपया मिला है। हाँ जिंदगी में पहली बार, अभी एक वाकया याद आया, हुआ बदोही का था, उसमें हम पूनम कमलेश राजहंस जी बड़े बड़े देश के कवि आए थे, तो उसमें विजयन उपाध्याय हिमांशु टाकीज है भदोही में, तो उन्होंने जब हम लोगों को बुलाया तो जो पेमेंट तय था उसमें आधा कट गया और वो चले गए। फिर अगली साल आया, कभी जो है बहुत निहंगम होता है, वो तुरंत कहता अब अगली साल ये बुलावट देखी कैसे आई थे, तब लोग अगली साल बुलाओ तो फिर कभी पहुंच जाए। अब हम लोग फिर पहुंच गए, बोले अब की कम नहीं होगा आप फिर आ जाओ, आ गए अब की फिर कम हो गए। तीसरी साल कहे कि अब की पक्का कम न होए, आ जाओ, आ गए तो अब की सही में क्या घटना घटी, जितना ताकीज में वो अपन मैनेजर रहे कुल टाकीज के रुपया फूटकर लाए के सिक्का सबका पॉलीथीन में कभी कभी अतिरिक्त पकड़ा दे, कहे जितना कहा था उतने पूरे हैं गिन लो, और सारे कभी कभी अतिरिक्त वहीं गिने ही आ गए, गिनत गिनत सवेर हो गया, वो 3 घंटा सोया और कभी बैठ के फूट फूट कर रोया, क्योंकि अब की पिछले 2 सालों की अपेक्षा दुगना कम था। अब वही रुपया लेके खनकाते ये चले, उसकी खनक आज भी मुझे याद है, मैंने बचपन में छुप कर पैसे बोए थे। इसलिए 4-6
पंक्तियां आउट सुन लीजिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, दुनिया की सबसे मजबूत जाति यादव होती है। आप कितना सोवा मेथी पालक पनीर किशमिश काजू बादाम मुनक्का खा लो, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। लेकिन यादव ऐसी जाति है दोनों टाइम दूध देती है। क्यों यादव 2 लीटर के, 5 लीटर के, 3 लीटर? अब यादव देखी देखा सब दूध दे लागन, बाभन ठाकुर सब लोग, शुक्ला डेयरी उद्योग, पांडे डेयरी उद्योग, ठाकुर साहब डेयरी उद्योग, कुल खुल गए, यादव का कारोबार खत्म हो गए। लेकिन यादवों का एक कारोबार कभी खत्म नहीं होगा। हमने नरसिंह भैया से कहा, नरसिंह भैया आप यादव हैं, आपका स्वभाव क्या है? कहें वो तो कभी नहीं बदलेगा। अगर कोई यादव आपको ओरिजिनल दूध पिला दे तो आपका पेट खराब हो जाए। इसलिए यादवों को इसकी पहचान है कि इस आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए, उसके हिसाब से उसको पानी मिला देते हैं ताकि वो आपका पाचन तंत्र उसको संभाल ले। और वो परंपरा जारी रही, सदियों से आगे भी जारी रहेगी, ये उनका नियम है। साहसी भैया ने कहा, अंबर भाई हम यादव हैं, सरकार चाहे जिसकी हो लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। हम कहे आपका स्वभाव क्या है? कहने लगे हमका बोलू गया तो उबई करब, गैया भैंसिया लगा उबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, दुधवा में पानी मिलउ गई करब, दुधवा में पानी मिलउ गई करब, जे का पिए खो नहीं सतुआ जाए, नहीं पालो भैंस भैया नहीं पालो गाय, पंडू हस्ती की रक्षा करता है लाई बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय, कोई बॉय है जहाँ लाई बॉय है वहाँ चैंपियन ने लाइट बॉय के पीछे दो बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य रिमा सुपर चौथी मानी क्रिक्रीम ब्यूटी पार्लर फैन लवली बंती बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैंगो माता च पिता तुम्हें हो, इमरान भाई माला पहरा दिए, बहुत अच्छा है। कहते हैं देश में हिंदू मुसलमान एक हो, हम कहे एक नहीं है क्या जो आप लोग कह रहे हैं? कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहे कश्मीर हमारा नहीं है क्या जो कह रहे हैं? ये तो उसी तरह हुए जैसे हमारे पिताजी कहें बिहारी लाल आप हमारा लड़का है, और जब लड़का आप कहाई तो कहा कि जरूरतें क्या है। देखा माला का बोझ कम कर दी, क्योंकि मालिक का बोझ कुछ हमसे अधिक अब दिखने लगा। इसलिए अभी तो हमारी औरत करवा चौथ रही, अब कहें सामने खड़े हो जाइए आपको देख के पानी पीऊंगी, हमके मेरी एक आंख खराब हो किसी और को देख के पी ले, तू अपनी जिंदगी जी ले प्यासे मत मर। हम कहे ये बताओ आप लोग पतियों को चलनी से क्यों देखती हो? कहे पति लोग साल भर इतना पूरा पाठ किए रहते हैं, हमका साल में एक बार इनका 40 पारत है, इसी चलेने से मैं चाल लेती हूँ, चाल करके इनको अपडेट कर देती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ, जाओ जो मन सो करो, फिर इसी दिन इसी डेट को आना है। इसलिए अब हमने कहा आप लोग ये करवा चौथ क्यों रखती हो? कहने लगी ये पतियों को उम्र लंबी करने के लिए। हमने कहा तो खाली हमारे लंबा हुए आपको वहीं रहे, यही हम एकदम से चले गए थे, फिर तो दूसर के साथ ही छपरा। हम कहे अब तुम यह साल रुका, अब यह साल से हम करवा चौथ रहा, अब चला हमका सामान खरीदे बाबा, बाइया खराब है, मार्केट दोनों तरफ खुली है। मैं जब अंदर गया मैंने कहा प्रिय आज इधर की दुकानें क्यों बंद है? वो बोली प्राणनाथ जब अभी आप उधर से लौटेगे तब ये भी खुली रहेगी। हम कहे अच्छा
बहुत अच्छा है, तब तो सही है। तो कहने लगी बीच बाजार में प्रकाश दादा। हाँ भैया सो सी। कहने लगी बीच बाजार में मैं कैसे लग रही हूँ? मैंने कहा कितना हसीन चेहरा, जैसे विनोद मेहरा, आप सब देखे प्रकाश दादा जैसे विनोद मेहरा, इनका चेहरा देखें, कितना हसीन चेहरा उसका, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झाके, वो भी तुमको झाके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मुड़िया, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मुड़ियार। और कहते हैं मेरे अनगर दादा बैठे हैं, ये तो प्योर बिहारी हैं, हम केवल नाम के बिहारी हैं, आप ओरिजिनल बिहारी हैं। और हमारे बीच में वो आचार्य गुरु जी बैठे हैं संस्कृत वाले, चंद्रमौली गुरु जी। हाँ कहाँ है अध्यक्ष है वो है। अच्छा हाँ हाँ, आचार्य संस्कृत के विद्वान चंद्रमौली त्रिपाठी गुरु जी बैठे हैं। लोग कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, मैंने कहा नहीं, एक तिवारी सब पे भारी, एक तिवारी सब पे भारी, जो आजादी का था पर भारी, जिसकी पूरी दुनिया आभारी, फिरे अंग्रेज न आरी आरी, सबको मारा बारी बारी, अंतिम गोली खुद को मारी, वाह तिवारी जिया तिवारी, धन्य तिवारी जले धारी, पंडित चंद्रशेखर आजाद, दुश्मन भी हमें देखकर बर्बाद रहेगा, दुश्मन भी अपना प्रसंग। हाँ गुरु ज्ञान कर भैया, देखे से लगेला कि नर हो कि मादा, सुनसे कि बीते, दुश्मन भी जिसे देखकर बर्बाद रहेगा, होठों पे सिर्फ भारत जिंदाबाद रहेगा, वाह जब तक जिएगा उसे ये याद रहेगा, वो आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। इसलिए अपने नौजवान साथियों से कहते हैं, कारवा जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा, खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। देखिए कविता लिखी नहीं है, मेरे मन ने कहा मैं कविता लिखना नहीं जानता, मेरी पत्नी ने कहा आप अच्छी कविता क्यों नहीं लिखते, हमने कहा देश में इतना अच्छे अच्छे कवि लिखते हैं, अब हम क्या लिखें, हम केवल उनको सुनते हैं, अब सुन करके अगर किसी कवि की रचना अच्छी लगी तो हम उसको आप लोगों के बीच में पढ़ देते हैं। तो कवि लोग कहते हैं आपने हमारी रचना पढ़ी, हमने कहा जी हम तुलसीदास को भी पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर लगा के दो दिन गाते हैं, मगर आज तक तुलसीदास ने नहीं रोका, तो आप उनसे बड़े कवि नहीं, इसलिए अपनी रचना हमसे पढ़वाओ। सारे कवि लोग अपनी रचना पढ़वाए, सब लोग पढ़वाए। एक दिन अनगर भैया कहे हमारी रचना भी पढ़ा करो अंबर, हमने कहा दादा हमारी भी तो कौन स्तर है, हमारा आदमी की रचना पढ़ रहे गुरु जी, तो इससे उनका स्तर का पता चला, तब कह रहे हैं अभी अच्छी रचना नहीं लिखी, क्या ये अंबर मेरी नहीं पढ़ना चाह रहा है। जब हम किसी के न पढ़े तब जान लीजिए उस कवि ने अच्छी पंक्तियां कभी नहीं लिखी, इसलिए वो कवि लिखे बढ़िया और हमका सुनावे, और जब हम ओके सुनाई तब जान ले वो अच्छा कवि है। प्रकाश दादा का भी नाम आता है, क्योंकि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हल्के में हर दिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। अब यहाँ प्रकाश दादा की बात है, मैंने पूनम जी से पूछा प्रकाश दादा में क्या कुछ रस है, कहे पहले था अब नहीं है।
तो मैंने उसको चार लाइन में बांधा कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया, इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। ऐसे रसवान व्यक्ति हैं, मैं इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। दादा के बाल पके हैं लेकिन कहते हैं प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। इनको परमिट मिल गया, प्यार का परमिट मिला है और बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं साथियों। इसलिए काल पहले हाँ तो माला बहुत बढ़िया पहले कविता नहीं बहुत बढ़िया बा हमका लगा कि ये कोई बढ़िया माला आ रहा ये इतना बढ़िया माला है कि इसकी हमारी औरत इसको पा जाए तो हमारी फोटो डाल दे वही दिन हमारे अंतिम फल है। अच्छा आशीष पांडे जी भैया बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत नमन करती आशीष पांडे जी। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पहाड़ी, इसीलिए कुल बाभन छुप के बैठे तोहरे आड़ी। उस समय तो सरकार रही, बहना जी की सरकार थी, उसमें फार्म निकल गया, सफाई कर्मियों के फार्म निकल आए। अच्छा। और उसकी शर्त थी जो सबसे पहले लूंगी उठाए के नालम कूद जाए वो नौकरी हम लगाएंगे। तो भगवान कसम सबसे पहले उसमें सारे ब्राह्मण कूद गए लूंगी उठा के, अब जो जगह बची उसमें कुछ उच्च ओबीसी जातियां कूदी जैसे कुशवाहा यादव मौर्यापाल ये सब कूद गए, अब जगह ही नहीं बचा। 80 लोग ऊपर खड़े होकर कहते हैं बाबू हम लोग कहाँ जाएं, तो एकदम नीचे से आवाज आई आप लोग कहाँ जाएंगे, आप एक भरोसे तो कूदे हैं भाई, हम पाई बात करत रहे। इसी को कहते हैं लोकतंत्र में मिलजुल कर काम करने की स्थिति, या लोकतंत्र सबके लिए कुछ न कुछ देता है। स्थिति तो ऐसी बन गई है और बहुत अच्छा सब सुन रहे हैं। अब की तो गठबंधन का चुनाव हो रहा है, होने जा रहा है, सब लोग गठबंधन लड़ेंगे, कह रहे हैं मोदी जी को अब की हराया जाए। समाजवादी पार्टी ने कहा हमका साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा आप हमको पंजे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा पार्टी ने कहा हमको हाथी बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो जाएंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, अब उसमें बहुत स्थिति ऐसी हो जाती है। तो आपकी गठबंधन का जब नरसिंह भाई आपकी गठबंधन का जब चुनाव होगा तो उसका चुनाव चिन्ह हमको चुनाव आयोग ने बनाने को दिया है, तो हमको फोन करके पूछना अंबर जी चुनाव चिन्ह क्या बनाएंगे जरा पहले से आप बता दें। हम कहे देखा साहब अगर बस सपा बसपा मिल के चुनाव लड़े हैं तब हम चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी। अब अगर कांग्रेस भी उसमें लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा, और अगर केजरीवाल भी उसमें लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू। अब मान लीजिए उसमें तेजस्वी भी लड़ना चाहते हैं लालू, तो साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलते हुए झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन, इसी पर अपना बटन दबाकर इस बार फिर 2024 में बीजेपी को विजयी बनाए। ये आचार संहिता खिलाफ है लेकिन आखिरी जब आप उसके पक्ष में बोलेंगे तब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बस आप आचार संहिता के खिलाफ न बोलिए लेकिन आखिरी में उनके पक्ष में बोल दीजिए जिनकी सरकार है, वो आपका कुछ नहीं कर सकते, वो सोचेंगे तो सर्वा आखिरी में हमारे पदे बोला, एक कुछ न करो। हमने आज ही अपनी औरत से कहा हम लोग कवि हैं आचार संहिता में बहुत नहीं रह पाते, तुम दाल भात के साथ हमको एक आचार भी दे देना आज ही मैं उसको चाट जाऊंगा, और आचार हमको दिया, मैं तीन आचार संहिता चाट गया। मैं उन्हीं आचार संहिता के चाटे हुए कुछ गुठलियों से आपके सामने हूँ, और जो कुछ भी हूँ खड़ा सामने
और हमारे विभा सिंह जी ने कहा हे हमारे बरवार हुआ खींच के कहें ओरिजिनल है कि अंबर जी नकली धरे है यार। हम कहे अरे का तो हरे ओरिजिनल रहे भगवान हमारे तो दिए हैं, कहें इतना काफिर जमाए है यार। हम कहे मान लीजिए पब्लिक कम जमाए तब तो इतना भगवान जमाए हैं, इतना जमाए हैं हम लोग। तब बरवा पकड़ के कहें सब ओरिजिनल है। हम कहे मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। कहने लगे ये इमरान इमरान बनारसी है, देखे देखे हम कितना सुंदर बा, इसे थोड़ा मोड़ा दाढ़ी रखे लाग नहीं था सुंदर रहा, डिस्टर्ब हो गए चेहरे से सुबह वाक है। लेकिन क्या करे भाई इस्लाम का नुमाइंदा है, दाढ़ी सुन्नत है, लई है अच्छा है भाई, अपना कौम का अच्छा बच्चा है, बढ़िया आवाज है, गले के अंदर लता मंगेशकर को रखता है, जब गाता है तो ऐसे लगता है लता मंगेशकर गा रहा है, मोहम्मद रफी मुंह के बाहर आ रहा है, महेंद्र कपूर ससुर के ऊपर बुला रहा है, किशोर कमूर किशोर कुमार हर बार डगमगा रहा है, इसके गले में वो आवाज है, आवाज का जादू है, ये आदमी समझू ना और मुसलमान एक साधु है। तो इतना सरेक्ता से भरा हुआ ही लड़का, ये लड़का सच्चा मुसलमान है। मैंने इसके हमारे कहने से अपनी शादी किया भाई, बहुत सालों का चारा है, शादी कर ले इमरान शादी कर ले, कहे ना करेंगे तो हम कहे ना कर दे तो घाटा हो अगला फायदा उठाइए, कहे कैसे, हम कहे ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं, बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास के जवान खुश होते हैं। तो इमरान भाई शादी कर लिए अपनी, तो हम और इमरान बंबई जाते रहे, कहे दादा टिकट नहीं लिए कैसे बचेंगे, हम कहे भाई देश में आप लोग कितना हबे कि आपको तो बचाऊ भाई क्या, कहे अरे यार अंबर भाई कैसे बचाएंगे, हम कहे हम गैलरी में खड़े रहेंगे आप हमारे साथ खड़े रहिएगा, जब टीटी आए तो हम ऐसे ऐसे करेंगे आप ऐसे ऐसे करिएगा। कहे अच्छा दादा ये तो बहुत कठिन है, लेकिन हम कहे एकदम सफल हो जाए बेटवा जीवन भर सफल रह गया, हम कहे हमारा कहीं नहीं लगता, बस आप खड़े रहिए, टीटी आया बोला टिकट, हमने कहा समस्या दिक्कत ले खता खत, हम कहे ऐसे ऐसे किए तो इमरान ऐसे ऐसे किया, कहे अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या, हम कहे कैसे पहचान गए साहब आप लोग भी पहले थे क्या, अब गए बैठ गए ऊपर सीट पर, हम कहे इमरान ऊपर बैठा दे टीटी की नजर हो सकता न पड़े, दो महिलाएं सुंदर सुंदर बैठ गई, एक 40 साल एक 30 साल, 30 साल वाले ने 40 साल से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है, वो बोली कोई ज्यादा नहीं 25-26 साल, 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा आपकी उम्र क्या है बहन जी, बोली ज्यादा नहीं कोई 17-18 साल, हम झांक रहे थे गिर गए, वो लोग बोली ये कौन है, इमरान ने कहा ये अभी अभी पैदा हो रहे हैं, आप इनको दूध पिलाइए नहीं तो भुखमरी का शिकार हो जाएगा, तालियां हो जाए जोरदार हंगामा कर दीजिए, आपका ये ऐरोगा का मुशायर कब सम्मेलन कितना शानदार रहा जानदार रहा भाई, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, आदरणीय प्रणाम करते हैं सर, भैया नमन करते हैं, बहुत अच्छा है, आज शिव शक्ति बाबा को बहुत प्रणाम करते हैं, शिव शक्ति आ रही है भैया, शिव शक्ति बाबा बार बार हमको प्यार दे रहे हैं बहुत अच्छा है, और इनका तो पेट वेट बढ़िया भगवान ने निकाल दिया है, हमारा तो खूब सतु कथो लायक नहीं, हम और नरसिंह भाई कथो लायक नहीं, ना कि आज हमारे दीदी बच्चे होते है कि नहीं, बहुत अच्छा है, और आपको तो देख करके आपका पेट भले आपको बहुत खल रहा है, पर हर आदमी यही सोचता है गुरु जी का 9वां महीना चल रहा है, होली का हंसी मजाक है, हाँ अगर हंसी मजाक नहीं किए तो बेकार है जीवन, क्योंकि यहाँ प्यार भी मिलता है तराजू में तोल कर, देखो कविता लिखता नहीं बनाता रहता हूं, यहाँ प्यार भी मिलता है तराजू में तोल कर, यहाँ दोस्त जहर देता है शरबत में घोल कर, और ये भी मंच पर हमारी बेटियां बैठी हैं इनको देखना, ये पंखे पन्ना इन्हीं तरह बेटियों को होना चाहिए, कि दुनिया में पूजी जाती है भारत की नारियां,
ऐ बेटियों ना चलना अपना जिस्म खोल कर, सभांग अंग ढके होने चाहिए, और नहीं तो हे प्रकाश गुरु जी की तरह न रहे कि कभी इश्क हुआ कभी इश्क हुआ, इनको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है, और टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है, मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है, अब पिट जाए अगर आशिक महबूब की गली में, तो जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है, जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है। अब कहे नरसिंह भैया आपकी आवाज में कैसे कहा, एक प्यार का नगमा है। देखिए आपने कितना बढ़िया गाया था, हम इतना बढ़िया नहीं गा पाएंगे लेकिन गाएंगे जरूर, गाएंगे जरूर, स्वागत है, क्योंकि एक प्यार का नगमा है और जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे मेरे सर दस मुकदमा है, कुछ पा कर खोना है कुछ को कर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है, खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जमानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लग गई, लड़के ने क्या कहा, जिंदगी की न टूटे लड़ी चाहे लगवा दे तू हथकड़ी, हो मितवा लागे न रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। अब कहे लगिन बेटवा राहुल, पैराम का भरोसा ना कि आप क्या हो, भारत जोड़ो बहुत हो गया, दुल्हन न छोड़ो यह साल, शादी कर लो। कहे अम्मा बहुत जल्दीबाजी में हो, कर जारो। अब देखिए कैसे अम्मा जल्दीबाजी में है, अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बिटवक शादी, दुल्हन जल्दी से आए, अब जल्दीबाजी कैसे हो, कहती हूं ना मैं पंडित से पूछूंगी ना मैं पोथी बांटूंगी, अपने हाथों न्योता लिखकर पूरे देश को बांटूंगी, मेरा पप्पू रंग रंगीला में तू नाचूंगी, ओ मेरा पप्पू रंग रंगीला में तू नाचूंगी, मोदी को बुलवाऊंगी योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों मोदी को बुलवाऊंगी योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों अखिलेश भाई को कुर्ता सिलवाऊंगी, बहना जी को नया नया सलवार भी मैं भिजवाऊंगी, लालू जी को मैं बिहार के अंदर मिलने जाऊंगी, केजरीवाल को नया नया दो मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश को जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी, गठबंधन सरकार बनी तो एक में सबको नाचूंगी, मेरा पप्पू रंग लीला में तो नाचूंगी, मेरा पप्पू रंग लीला में तो नाचूंगी, चाहे अमित शाह आ जाए मोदी, इन दोनों नेताओं को मैं ले लूं अपने गोदी, मुझे इधर से उधर जो बोले मरी तेज मैं डांटूंगी, मैं दस जनपद की हूं रानी गोबर कभी न पाथूंगी, भाई मेरा पप्पू ये मेरा पप्पू रंग लीला में तो नाचूंगी। देखिए बहुत बढ़िया है, ये कविता नहीं है, ये कविता कहीं से भी नहीं है, ये केवल मनोरंजन है, अगर होली न होती तो इतनी खतरनाक बोली न होती, क्योंकि ये जो प्यार ये मोहब्बत है बहुत बढ़िया, कि आओ आया फागुन तो चलो रंग जमाया जाए, बना रहा हूं, आया फागुन तो चलो रंग जमाया जाए, हाथ के साथ दिलों को भी मिलाया जाए,
अब दोस्तों से तुम या करते हैं हम होली में, दुश्मनों को चलो सीने से लगाया जाए। क्या बात है, दुश्मनों को चलो सीने से लगाया जाए। अब कहते हैं अंबर भाई, अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना, तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत हैं, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सरफास मत खाना। किसी लड़की के खातिर। अब कहते हैं साथियों, क्या कहा मेरे पिता ने, मेरा भी कुछ नाम हो जाता, हमारे बेटों में पैदा जो कोई राम हो जाता, मुझे फिर स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं होती, हमारा घर ही उससे ये अयोध्या धाम हो जाता। कहते हैं पर्वत के समाई मिलना कितना मुश्किल है, अब बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है, राम आपके जैसा नायक हर युग में मिल सकता है, पर भरत के जैसा भाई मिलना कितना मुश्किल है। भरत के जैसा भाई मिलना कितना मुश्किल है। अब कहते हैं कि अगर वैदेही नहीं होती, रावण युद्ध ना करता, बना रहा हूं बना नहीं, दिलों को जोड़ने वाली कोई लेई नहीं होती, दिलों को जोड़ने वाली कोई लेई नहीं होती, ये रावण युद्ध ना करता जो वैदेही नहीं होती, वाह, तो भटकते ही उड़ते जंगलों में आज तक यारो, तो भी वो राम ना होती जो कैकेयी नहीं होती। वाह 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 वाह, तो फिर वो राम ना होते कैकेयी का यही। हेलो, हाँ हाँ, देखो तुम सब नौजवान है भाई, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है, भेजा गया है, और कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली, और हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है तर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा। और हमने आलोक मौर्या से पूछा क्या हुआ भैया, तो आलोक मौर्या कहे लगे, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह। हम कहे तनक जोर जोर बोला तो कहे, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह, तुम जिंदगी में आओ एक परिवार की तरह, मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह, मैं आज से तेरी हर बात मानूंगा, पैजामा भी पहनूंगा तो तब सलवार की तरह, तुम आओ जिंदगी में एक परिवार की तरह, तो देख आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए, रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजे सजन हो गए, अब गालियां बाप माँ को जो देते हैं, अब इस दौर के ये कैसे रतन हो गए, इस दौर के। अब कहते हैं कि काले कौए मधुर गीत गाने लगे, और हारने वाले भी जीत जाने लगे, मुल्क मेरा तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे, औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फैरन लबेली लगाने लगे, राज बंदर का जंगल में जब से हुआ, शेर को मूछ गीदड़ दिखाने लगे, अब उनको नेता कहां से गड़बड़ावत क्या है। हाँ, बस दो मिनट और रहेंगे, क्योंकि अभी एक वो अध्यक्ष ही काव्य पाठ बाकी है किया।
अच्छा हम केजरीवाल वाले तो भाई कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू केजरीवाल के बन जाओ साड़ू, दीदी मिली है थारू अभी वो सो रही है। चौकायो बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खाके वो कहती क्या बात है। पांच महीने से मैं के नहीं गई सी बात पे मुझसे लिपट कर रही है अभी वो सो रही है। बहुत बढ़िया आपने सुना। मैंने दो सूत्र बनाए थे चार पांच, लेकिन दो खास हैं वो आपको सुना देते हैं। बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करके निकलूंगा, ये कागज मैं अंदर रख लूं ताकि ये न लगे कि हम फिर से शुरू हो सकते हैं। इसको पूरा मैं अंदर जेब में डाल लूं क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत नहीं, हम तो कविता लिखते भी नहीं। ऐसे लिख देते, हमारी लिखी हुई कविताएं कहीं छप भी नहीं सकती, उसका प्रेस में अक्षर नहीं बना है। अब जैसे एक पुल गाय तो कहां छपे अनक गाऊ पाए। ये देश वीर जवानों का, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, इस देश में आरो यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना आ माइया बप्पा, आ माइया बप्पा, आ माइया बप्पा। अरे कौन छपे अनक क्यों गाऊ पाए, इसलिए जब तक हमारी सुन ले नहीं तो कुल ऊपर चला जाए। इसलिए आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बड़ा मन से सुना और बड़े मन से सुना जो है कि तुम कहो तो फैजाबाद में दुकान दे दू, तुम कहो बनारस का मैं लाकर पान दे दू, तुम कहो तो दिल की धड़कन को मैं दान दे दू, तुम कहो तो तुमको सारा हिंदुस्तान दे दू, दिलो रानी कहो तो अभी जान दे दू, गेहूं दान दे दू के कल्याण दे दू। अरे कोई गाना है लेकिन आपको सुनाना है, क्योंकि कहते हैं कि लड़की ने लड़के को देख के गाना गाया, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। लड़कवा चला गया, लड़कियां पिटवाई भी है, लड़कवा गाना गाते हुए निकला, तेरी गलियों में रखेंगे कदम आज के बाद, शाम तक छोड़ दे पूरा इलाहाबाद। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर जीसन हजार उधार है, अब फिर सलवा तब तैयार है। एक गाना आया था, चलते चलते यही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते गिर जाते प्यार नहीं कमजोरी का लक्षण है। गाने बहुत प्रकार के आए मगर एक मिनट का और समझ लीजिए फिर निकल चलूं, क्योंकि अपना अपना एक अंदाज है साथियों। दो सूत्र ये कहा, पाइथागोरस का सिद्धांत मैंने गणित से बनाया, अवार की मिरीज का सिद्धांत विज्ञान से। पाइथागोरस का सिद्धांत है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको संकोण पर काट देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है और लड़कवा जेल चला जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में पूरा आंशिक रूप से या क्षतिग्रस्त मानसिक रूप से या टोटल अनुवांशिक रूप से उसी में डूब जाता है, और जब लड़की का मन उस लड़की से उब जाता है तो लड़की के माँ के द्वारा हटाया गया भार लड़की की पिता के भार के बराबर हो जाता है। माई कबन चूल्हा फूके भौजाई सुकुवार निकल गए, माई कबन चूल्हा फूके भौजाई सुकुवार निकल गए, और भया हो कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकल गए, जगर चोर मेहरार निकल गए, लड़े बदे बलियार निकल गए, केकरे मुंडे शान मघारी कुछ ये बेकार निकल गए। भैंस भरती टांग उठा मैं बर्धा हिंगा देख पराए, टुकुर जाए पिछवाड़े सोए आगे चोर मुठ ले जाए, हाड़ी में जब दूभर ना ही कुल बिलार रोवन चिल्लाए, छोटका लड़का खेत बेच के मझिला लड़के कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषि के हरिदार निकल गए, केकरे मुंडे शान मघारी कुछ ये बेकार निकल गए। कहे रहन खाता माए 15 लाख कैसे सरकार निकल गए, कहत ना ही शिकायत ना कर थी याद दिलावा थी 2024 में मिले, कह रहे खाता माए 15 लाख कैसे सरकार निकल गए, जैसे झुके के नमस्ते सग गए रिश्तेदार निकल गए, हमारे साथ
धात में गाय हमारा छोटका चार में कर गए जौने थाली में खाना खाना पर से कोने मुंडे बार में कर गए एक ठी प्यार के बोली बोले झगड़ू है तलवार में कर गए ककड़ी मुंडे चांद बघारी कुछ जी भी काम कर गए पहले घरे घरे यूं माथा महकत रही महेरी अब तो गांव भरे का दुधवा पियत जात बा देरी जब से गांव में बिजली होई जे घर घर होई जे टीवी कोनी अतरे लड़का रोवे नो बुलावे बीवी ओ फिर मुसर चकरी जाता क्यों घरे न चच्चा अस्पताल के गए बिना जब होते नहीं बच्चा इंटरनेट के युग में इतना आगे परिवार में कहिए हमसे बढ़िया रामदेव है पहलोर सलवार में करके किकरे मिले शाम बघारी कुछ बेकार में करके तुम्हारे देखा देखा हमारी भैंस कूद गए पानी में तुम्हारे देखा देखा हमारी भैंस कूद गए पानी में बचपन में तो वह पति आया फता है बुढ़ानी में तुम्हारी देखा देखा हमारी भैंस कूद गए पानी में आग लगे बहजरा कमा थी तुम्हारी भरी जवानी में दूध के बदले गांव गांव में अम बिकता है दारू मन से भूसे काम करा मैं जमर चोर मेहराज में दूध के बदले गांव में दूध के बदले गांव गांव में अम बिकता है दारू मन से भूसे काम करा मैं जमर चोर मेहरारू तब तो झगड़ा देव होत बदेखा जो रानी जेठानी में आग लगे दहजरा कनाती तोरे भरी जवानी में अब चला थी अब कैसे कह के चला थी साथियों बहुत प्यार से सुनना कैसे कह के चल रहा हूँ आपने तो बहुत बढ़िया सुन लिया साथियों इसलिए कहते हैं जुल्फों के ये पेचो खम तोड़ देना निभा जो न पाना कसम तोड़ देना अगर लिख न पाना वतन के लिए कुछ तो हाथों से अपने कलम तोड़ देना क्योंकि हाथों से अपने कलम तोड़ देना इसलिए चार पंक्तियां कह के अपना स्थान लेके साथियों बड़े मन से सुना बड़े प्यार से सुना और जितने लोग यहाँ हैं सभी मजहब के लोग हैं सभी वर्गों के लोग हैं सब आपस में मिल के होली का यह अवसर यह कार्यक्रम अहरौला का यह कार्यक्रम शानदार ऐतिहासिक है साथियों जितने लोग बैठे हैं इससे भी कम लोगों ने देश को आज़ाद कर दिया और इससे भी कम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया आप पहली वाली लाइन के लोग हो साथियों इसलिए कहते हैं कहाँ खून अपना बहाया नहीं है मगर कागजों पे वो आया नहीं है ये इतिहास मेरा सभी जानते हैं कटाया है सर को झुकाया नहीं है अब कहां जा रहे हो ये घर छोड़ करके अभी कर्ज माँ का चुकाया नहीं है अभी कर्ज माँ का चुकाया नहीं है क्योंकि इस जहां में बताओ माँ से बढ़कर जहां में भला कौन है एक पिता से बताओ बड़ा कौन है दूसरे लोग सब तुमको देंगे दगा अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है दूसरे लोग सब तुमको देंगे दगा अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है अब चल रहे हैं साथियों चार पंक्तियों से विदा लेंगे एक आइटम आपको सुना करके हंसते हंसते मुस्कुराते हुए विदा करेंगे साथियों आज नरसिंह भाई बैठे हैं अपने चौरसिया जी भी बैठे हैं गुरु जी भी बैठे हैं शक्ति भैया बैठे हैं मनीष भैया बैठे हैं और बाकी लोग जो हैं हमसे अगर बैठे हैं माफी चाहता हूँ सही बात है मुस्कुरा के इस तरह से दिल गिराइए आपको हमारी कसम एक मिनट और बैठ जाइए कहते हैं अगर एक तरफा प्यार होता है तो आदमी चौतरफा पीट दिया जाता है हमको और नरसिंह साहसी को एक तरफा प्यार हुआ दोनों लोग प्यार में पिट गए इसलिए दोनों लोग एक ही लाइन में खिंच गए और वो लोग तो खैर पहले नरसिंह साहसी फेसबुक चलाते थे लड़की ने इनसे कुछ मांगा कुछ और भेज दिया मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई जो चाहती थी उनको अनफ्रेंड हो गई उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए और गलती से पिता वाली उनसे सेंड हो गई हमारे भी साथ यही हुआ हमारे पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारे लिए हम लड़की देखने सुल्तानपुर जा रहे हैं शाम को फोन करेंगे पिताजी ने शाम को फोन किया बेटा बिहारी लाल हमने तुम्हारे लिए जो लड़की देखी है वो बड़ी सुंदर है स्मार्ट है सरल है सुशील है और हमको पसंद आ गई हम कहे पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो वो कैसे आपको पसंद आ गई और जब आपको पसंद आ गई तो हमारा तो काम धाम खत्म अब जैसे एक अम्मा वैसे दो अम्मा इस केस से हम फिर लंबा लम्मा हम कहे पिताजी मैं ऐसी लड़की से सदिये नहीं करूंगा जो बापू पसंद हो बेटो पसंद हो इसलिए मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है मैं कहता हूं रुको बहन मुझे मुर्गी आती हो ये हम जिनके लिए बर्बाद हमको समझो यूरिया खाद फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे अब कैसे कहा कोई फर्क नहीं पड़ा एक फोटू टंगले में ऐसे तो अच्छा रहा कहीं भीख मंगले में
चल के बैठी घर के बंगले में नजर लागे राजा तेरे बंगले में नजर ला। अब तक कैसे कहा एक तरफा प्यार हुआ लड़के को, लड़का पीछा करते हुए गया, सोचा लड़की को भोगी तो मुझे पलट कर देखेगी, लड़की तो बड़े घर की थी, तीन तल्ले पर राउंड करके चल गई। लड़का अब भी कोशिश कर रहा है कि लड़की उतर आए, एक तरफा प्यार है कैसे गोरी। हेलो हेलो, हाँ बिगड़ाया ना भाई, आखिरी है। हेलो, ऊपर गोरी का मकान है, हाय रे आवरे आवरे तंचे आवरे तंचे आवरे। बुलावत पर गुरु जी, देखा आपने बुलाया, हमें बुलावत दिया। ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे आवरे आवरे तंचे आवरे और पीछे आवरे, तो नहीं आएगी फिर कैसे। ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरी तेरा हो जाए एहसान मेरा बढ़ जाए पहचान, तेरे बाबू है दीवान तेरे भैया है कप्तान, हाय हाय रे ऐसे मैं कैसे प्यार करूंगा, तुम ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम ही से मैं प्यार करूंगा, मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, कहा हो मेरे जान मैं तो पुलिया के नीचे आ गई। दरोगा साहब यही लड़को हाथ पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत समय जोरदार तालियां बजा के।